सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी व्यू फॉर टुमारो और कुछ स्टॉक देखेंगे जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी को दिखाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम का। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने हमें गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था काफी टाइम तक, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से ही पहले इसने सपोर्ट भी लिया है तो मैं इस लोकेशन को मार्क कर लेता। अब मैं जाता हूँ 1 आवर में। 1 आवर में मुझे कुछ स्पेसिफिक जगह दिख रही है। यहाँ एक ये जोन दिख रहा है जहाँ पे मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये जोन दिख रहा है और एक ये जोन दिख रहा है मेरे को लगभग लगभग, और एक ये जगह दिख रही है। ठीक है, मैं इन जगह को मार्क कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ 15 और 5 मिनट्स में। 15 में आया और 5 निकला है। अब देखो इसके हिसाब से अब हम क्या देखते हैं, इसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कल के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। अगर देखो मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे, मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग दे और यहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे तो हम एक यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस एक ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस इसका टॉप ये रहा। एक ये दोनों भी कल अब हमारे रेजिस्टेंस के काम करेंगे। इसका टॉप पे हमारा रेजिस्टेंस है ही, और जो ये स्विंग बना है यहाँ से भी हमें कल थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता रहा है। अगर गैप अप हुई तो हमारे यहाँ पे प्लान हो जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं खुला तो ये यहीं पे हम यही सोचेंगे कि जब भी नीचे आएगा हम यहाँ पे बाई करेंगे और ऊपर आएगा तो हम इस पे सेल करेंगे। ओके, और अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अगर कल हमें अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हो गई यहाँ पे इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करने की सोचूंगा। इस जगह से रिवर्सल ट्रेड करने जरूर। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, पहले तो इस लो का ब्रेक डाउन होता है, फिर अगर इस लो का भी ब्रेक डाउन होता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करने की सोचूंगा। ओके, क्योंकि बहुत इजीली हमें यहाँ तक का टारगेट मिलता है। अब आप यही देखो, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो अब कंटिन्यूसली सपोर्ट का काम करेगा। गॉट इट? अब हम इसी की जगह अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो वन डे टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे क्या दिख रहा था, इसने क्या किया, एक पहले यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर एक अपसाइड को, फिर यहाँ से, फिर इसने यहाँ से देखा, अभी बिल्कुल ऐसे आ गया ये चीज। अब हम इस पे थोड़ा 1 आवर में जाते हैं और लेवल्स मार्क करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो पहला लेवल हमारा ये बहुत क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे आप इसको सपोर्ट मान सकते हैं। दूसरा लेवल ये है हमारे पास जहाँ से इसने कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है। तीसरा लेवल ये है हमारे पास जो हमारे लिए कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस। ओके, ये हमारे पास हो गए। अब मैं इसको 5 मिनट में जाता हूँ और इसको थोड़ा बताता हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर कल हमें गैप अप ओपनिंग मिली, नॉर्मल गैप अप ओपनिंग मिली और वो थोड़ी सी एग्जॉस्ट होकर यहाँ से आके, अगर यहाँ से इस पॉइंट से आगे अगर अपर की साइड को जाने का सोचा तो हम यहाँ से एक ऐसा ट्रेड ले सकते हैं। अगर कल हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हम इधर से आके रिवर्सल ट्रेड करेंगे, और अगर कल गैप डाउन ओपनिंग मिली हल्का सा ऊपर आया यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा तो हम यहाँ को सेल कर सकते हैं। देखो ये डिपेंड करता है हमें कैसे टाइप की ओपनिंग मिल रही है उस पर, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर इतनी अच्छी अगर यहाँ पे ये हुई है, अगर इतनी अच्छी यहाँ पे सेलिंग हुई है, अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, तो हमें कल यहाँ पे अज्यूम है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए तो यहाँ पे जो कल के जो सेलर होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना हल्का लगभग, और यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। और अगर ये 50% इसके ऊपर खुल गया तब तो हमें यहाँ से जो सेलर होंगे वो ट्रैप मिल जाएगा और यहाँ तक का इजीली टारगेट मिलेगा। डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है उसके पोजिशन पे। ओके, अब हमारे पास स्टॉक आता है। सबसे पहले अगर आप स्टॉक को देखो यहाँ पे, तो मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, अमर राजा बैटरी। अगर आप अमर राजा बैटरी को देखो तो कंटिन्यूसली ये इस जगह से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। देख रहे हो आप, कंटिन्यूसली यहाँ पे आया सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा साइडवेज सा हो गया। अगर कल ये इसको ब्रेक करता है तो हमें पहला टारगेट इधर तक का मिल सकता है बहुत इजीली, दूसरा टारगेट एक गैप फिलिंग मिल सकती है। अब हमारे पास सेकंड स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अगर आप इंडसइंड बैंक को देखो तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अभी यहीं पे इसी प्लेस पे। तो अगर कल हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है पहले 5 मिनट में तो हम यहाँ से बाय करके जा सकते हैं इस स्टॉक तक, इस स्टॉक तक। अब बैंक निफ्टी निफ्टी का अगर आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं अपना प्री मार्केट एनालिसिस डालता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं दिन के अंदर। हम पिछले 13 दिन से प्रॉफिटेबल स्ट्रीक में टेलीग्राम पे, आप अपने आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे इंस्टाग्राम के बारे में मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय।